तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कोइन ऑल्ड इज गोल्ड में। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आज की वीडियो शेयर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे कॉइन दिखाऊंगा कि जो दो कॉइन ही है, एक है 1 रुपए का और एक है 2 रुपए का। वो दो कॉइन ही आपको कम से कम 15 से 20 हजार रुपए दे सकते हैं। आपको ज्यादा कॉइन ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दो कॉइन मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में जो आपको 15 से 20 हजार रुपए दे देंगे। तो इसलिए कह रहा हूं कि वीडियो को शेयर कीजिए। अगर ये कॉइन आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास नहीं है तो यार दोस्तों के पास होगा, आपके रिश्तेदारों के पास होगा। ये वीडियो उनको भी शेयर कीजिए, वो भी अपने कॉइन चेक कर लेंगे, क्या पता उनके पास ये कॉइन हो। और दोस्तों, वीडियो पूरी एंड तक देखना, तभी आपको समझ आएगा कि मैं कौन से कॉइन बता रहा हूँ, वो दो कॉइन कौन से हैं। आप वीडियो एंड तक नहीं देखते, मेरे पास फोटो भेज देते हैं, लेकिन वो कॉइन नहीं होता जो मैंने आपको वीडियो में बताया होता है। आज की वीडियो पूरी एंड तक देखना, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा मैं कौन से मिंट के बारे में और कौन से ईयर का वो कॉइन है और कौन से मेटल में वो कॉइन बना हुआ है, वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा आज की इस वीडियो में। और दोस्तों, अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए हो मेरे से कॉइन के बारे में तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। मेरे चैनल की मेंबरशिप 299 रुपये की है, 299 की मेंबरशिप है 1 महीने की, जिसमें मैं आपको 30 से 35 कॉइन के बारे में बताऊंगा। वर्ल्ड की कोई भी करेंसी आप मुझसे पूछ सकते हैं और ये भी बता दूंगा कि वो सेल कहां पर होगी। तो बिना किसी देरी के अब वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आज आपने थंबनेल तो देख लिया होगा, आज हम बात करेंगे दो ऐसे कॉइन के बारे में जो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी कीमत दे सकते हैं। वो एक एक सिक्का आपको 8 से 9 हजार रुपये दे सकता है और ज्यादा भी हो सकती है उसकी वैल्यू। अभी उसकी वैल्यू जो चल रही है वो 9 से 10 हजार रुपये चल रही है, लेकिन आने वाले समय में वो एक सिक्का ही कम से कम 15 से 20 हजार रुपये का हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1 रुपए के इस कॉइन के बारे में। जो आप अपनी स्क्रीन पर ये सिक्का देख रहे हैं, ये 1 रुपए का सिक्का है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। ये सिक्का आप अच्छे से देख लीजिए। पहले मैं आपको इसकी बेसिक जानकारी दे देता हूँ। मैं इसमें आपको नॉर्मल सिक्का भी दिखाऊंगा और इसी में एक आपको ऐसा एक्सट्रीमली रेयर सिक्का दिखाऊंगा जो आपको 8 से 9 हजार रुपये दे सकता है। तो ये बनाया गया था दोस्तों 1990 में। मेटल इसका कॉपर निकला है, वेट इसका 6 ग्राम है, साइज इसका 26 mm है, शेप इसकी गोल है। ये 2 मिनटों से बनाए गए थे। मैं इस सिक्के के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा, इसलिए वीडियो पूरी एंड तक देखना। आप ये मत सोचना कि ये नॉर्मल सिक्का है, इसी में ही मैं आपको एक ऐसा सिक्का दिखाऊंगा जो आपको 8 से 9 हजार रुपये दे देगा। ये सिक्का बनाया गया था 2 मिनटों से बॉम्बे और हैदराबाद। अगर इसमें हम बॉम्बे के सिक्के की बात करें जो आता है स्केयर की कैटेगरी में, उसके आपको मिल जाएंगे 100 रुपये। और हैदराबाद मिंट के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिक्के के, इसके आपको मिल जाएंगे 300 रुपये से लेकर 400 रुपये। अब हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस सिक्के की। ये जो आप सिक्का देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, एक्सट्रीमली रेयर की कैटेगरी का सिक्का है, बहुत ही ज़्यादा। ये बनाया गया था हैदराबाद मिंट से। ये सिक्का आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस सिक्के के बारे में मैं जो भी चीज़ आपको बताऊंगा वो आप अच्छे से सुनना, और इस सिक्के का चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आपको कोई दिक्कत हो ढूंढने में तो इस सिक्के का स्क्रीनशॉट ले लेना या मेरी वीडियो दोबारा देख लेना कि आपको समझ आ जाएगा मैं कौन से सिक्के की बात कर रहा हूँ। ये सिक्का है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 1 रुपए का, जो कि बनाया गया था स्टील में। वैसे जो नॉर्मल सिक्का है वो कॉपर निकल में बनाया गया था, लेकिन ये जो सिक्का है ये स्टील की धातु में बनाया गया है, जिसको हम कहते हैं OMS कॉइन। ये OMS कॉइन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। इसकी कीमत की दोस्तों अगर बात करें, पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये बनाया गया था सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद मिंट से। सिर्फ हैदराबाद मिंट से ये सिक्का बनाया गया था, ये आप अच्छे से देख लीजिए। ये स्टील का सिक्का है 1 रुपए का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। अब इस सिक्के की हम कीमत की बात करेंगे तो इसकी कीमत आपको फाइन कंडीशन में ही कम से कम नहीं तो 5 हजार रुपये मिल जाएगी। 5 हजार रुपये का ये सिक्का है फाइन कंडीशन में। वेरी फाइन कंडीशन में इस सिक्के की कीमत चली जाएगी दोस्तों 7 हजार रुपये, और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इस सिक्के की कीमत होगी 8 से 8.5 हजार रुपये। और UNC तो आप सब जानते ही है, UNC का सिक्का कैसा होता है, एकदम चमचमाता हुआ सिक्का होता है जिसपे कोई दाग धब्बा नहीं होता, कोई भी निशान नहीं होता। उसमें इस सिक्के की कीमत नाना करते हुए भी दोस्तों 9 हजार रुपये से लेकर 10 हजार रुपये का ये सिक्का है। अगर आपके पास बहुत सारे 1 रुपये के पुराने सिक्के रखे हुए हैं तो उनमें ये सिक्के जरूर तलाश करना। इसमें एक खासियत मैं आपको बता देता हूँ, ये सिक्का चिमक पे चिपकता है, मैग्नेट पे ये सिक्का चिपक जाएगा, ये इसकी निशानी है। OMS कॉइन है ये आप अच्छे से देख लीजिए।
ये एक ही धातु में बना होता है ये OMS कॉइन। निशानी मैंने आपको बता दी, एक ही धातु का ये कॉइन होता है, बिल्कुल अलग ही दिख जाएगा ये आपको। काफी सारे कॉइनों में ये कॉइन आपको बिल्कुल अलग दिख जाएगा। अगर आपके पास बहुत सारे सिक्के हैं तो उसमें ये सिक्का जरूर तलाश कीजिए। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम बात करेंगे दूसरे सिक्के की। ये जो दूसरा सिक्का है दोस्तों, इसका भी आपको पूरा अच्छे से देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसमें मैं आपको कौन से मिंट का और कौन से ईयर का सिक्का बताऊंगा। तो ये जो सिक्का है ये है 2 रुपए का, ये नेशनल इंटीग्रेशन का सिक्का है, ये आप अच्छे से अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। मैं आपको इस सिक्के की बेसिक जानकारी दे देता हूँ। ये सिक्का है नेशनल इंटीग्रेशन का, 2 रुपए का सिक्का है। ये बनाए गए थे 1992 से लेकर 2004 तक। मेटल इसका कॉपर निकला है, वेट 6 ग्राम है, साइज इसका 26 mm है, शेप इसकी 11 साइड आप कह सकते हैं। मैं इसमें आपको सिर्फ एक ही सिक्का दिखाऊंगा, ये है 2002 का सिक्का। ईयर आप ये अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर ईयर लिखा है एरो के माध्यम से देख लीजिए। ये 2002 का सिक्का है, ये 4 मिनटों से बनाया गया था, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद का तो दोस्तों कॉमन की कैटेगरी में ये सिक्का आता है, इसकी आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर कॉपर निकल का ही आपके पास नोएडा मिंट का सिक्का है, 2002 का नोएडा मिंट का सिक्का, उसके आपको मिल जाएंगे 100 से 150 रुपये मिल जाएंगे, स्क्वायर की कैटेगरी का सिक्का है। लेकिन अगर आपके पास 2 रुपए का नेशनल इंटीग्रेशन का ये वाला सिक्का है जो आप अपनी स्क्रीन पर अब देख रहे हैं, 2002 का, ये आप अच्छे से देख लीजिए। ये सिक्का है दोस्तों एक्सट्रीमली रेयर सिक्का, वेरी वेरी रेयर की कैटेगरी का ये सिक्का है। ये आपको किसी भी यूट्यूबर ने नहीं दिखाया होगा, पहला ही ऐसा चैनल होगा जो आपको ये ऐसे सिक्के दिखा रहा है। ये काफी महंगा सिक्का है। अब मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल में दे देता हूँ, बता देता हूँ कि आपको इसकी कैसे पहचान करनी है। ये 2 रुपए का नेशनल इंटीग्रेशन का सिक्का, ये आप अच्छे से देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो आप दोबारा देख लेना। ये दोस्तों ये सिक्का बनाया गया था स्टील में, स्टील का ये सिक्का है 2002 का, और ये नोएडा मिंट से ही बनाया गया था। जैसे कॉपर निकल का नोएडा मिंट का सिक्का स्केयर की कैटेगरी में आता है, वैसे ही ये भी नोएडा मिंट से ही ये सिक्का बनाया गया था 2002 में। अगर हम इस सिक्के की कीमत की बात करें तो वेरी फाइन कंडीशन में इस सिक्के के आपको मिल जाएंगे 5500 रुपये, और एक्स्ट्रा फाइन में इसके आपको मिल जाएंगे 6500 रुपये, और UNC कंडीशन में इस सिक्के के दोस्तों आपको मिल जाएंगे 8500 रुपये से लेकर 9000 रुपये। ये सिक्का आप अच्छे से देख लीजिए अपने स्क्रीन पर, ये स्टील का सिक्का है। इसमें भी मैं आपको खासियत बता देता हूँ, ये मैग्नेट से चिपकेगा, ये एक ही धातु का सिक्का होगा, क्योंकि जो कि नेशनल इंटीग्रेशन के 2 रुपए के सिक्के थे वो सिर्फ और सिर्फ कॉपर निकल में ही बनाए गए थे। ये तो दोस्तों वो है कि बाई मिस्टेक ये सिक्के बन जाते हैं और आम चलन में आ जाते हैं, तो ये सिक्के एक्सट्रीमली रेयर हो जाते हैं, बहुत कम तादाद में ये सिक्के होते हैं, इसलिए ये इतने ज़्यादा महंगे होते हैं। मैंने आपको दोनों सिक्के के बारे में बता दिया, ये दोनों सिक्के मिलके आपको 16 से 17 हज़ार रुपये दे सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे 1 रुपए के और 2 रुपए के बहुत सारे सिक्के हैं तो उनमें ये सिक्के तलाश करना शुरू कर दीजिए, आपको फायदा होगा। अगर आपको अगर पहचान नहीं है सिक्कों की तो ये सिक्के आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट करके बता देना, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप मुझसे भी इन सिक्कों के बारे में पूछ सकते हैं। अगर आपको नॉलेज ना हो ये सिक्का पहचानने की तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप लेके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको अच्छे से गाइड कर दूंगा कि कौन सा सिक्का OMS है और कौन सा नॉर्मल सिक्का है। मेरे चैनल की मेंबरशिप ज़्यादा नहीं होती दोस्तों, 299 की मेंबरशिप होती है 1 महीने की, जिसमें मैं आपको 30 से 35 कॉइन के बारे में बताता हूँ। इसमें आप ही का ही फायदा होता है। अब जैसे मैं आपको नए नए तरीके के कॉइन दिखाता हूँ, क्या पता आपके पास वो सिक्के होते हों लेकिन आपको पता ही ना होता हो, आप एग्जीबिशन में जाते हैं वो सिक्के सेल कर देते हैं लेकिन आपको उनकी वैल्यू नहीं पता होती, जो वो लोग आपको पैसे देते हैं वो आप रख के आ जाते हैं, फिर बाद में आप हमारी वीडियो देखोगे तब आपको पता लगेगा कि ये सिक्का इतना महंगा था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप कहीं पे भी बेचने से पहले मुझसे एक बार राय ले लीजिए, आप मेरे चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि आपके सिक्के की क्या कीमत है, आपको कोई भी लूट नहीं पाएगा, बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए रोज़ ऐसी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।